रायसेन जिले की उद्योगिक नगरी मंडीदीप में आज हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष छुट्टी चौहान व साथ ही साथ नगर पालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान दादा भाई, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विपिन भार्गव व साथी व्यापारी महासंघ मंडीदीप व आम पार्टी शिवसेना बजरंग दल साथ ही साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा आज हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर पटाखे न चलाने व साथ ही साथ पटाखों पर बिक्री न करने को लेकर न्यायालय व प्रशासन के आदेश के विरुद्ध कलेक्टर महोदय के नाम थाना प्रभारी राजीव जंगले को सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें उनके द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की है व साथ ही साथ आदेश वापस न लेने की स्थिति में फटाका व्यापारी व साथ ही साथ क्रय किए गए फटाकों की कीमत प्रशासन द्वारा चुकाए जाने की बात कही। प्रशासन द्वारा जारी किए गए लाइसेंस पर भी जो धन राशि ली गई है उसे भी वापस करने की मांग की है। तहलका इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो ज्ञापन दिया गया है, दीपावली का त्यौहार सामने है और ये हिंदू समाज की भावनाओं का से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अचानक कोर्ट का आदेश आने से यहाँ पर जो लोगों में नाराजगी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और इतने कम समय में कई व्यापारियों को लाइसेंस दे दिए गए हैं पटाखा बेचने के। अब ऐसी स्थिति में उन लोगों के ऊपर भी संकट है। दूसरा है ये आदेश कि साहब हम पटाखा न फोड़ें, हमारे देश की परंपरा है, इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से हिंदू समाज मनाता है, लेकिन बड़ी दुख का बात है कि आज ये प्रक्रिया इस समय मंडीदीप के अंदर ग्रीन बेल्ट के तहत अपनाई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन से भी त्रुटि हुई है और अब आज सारे हिंदू समाज ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भाई इस त्यौहार से शांतिपूर्ण ढंग से मनाने दिया जाए। आया है ठीक है, लेकिन हमारी जो ये सोच है हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष की ओर से कि मंडीदीप के नगरवासी है थोड़े बहुत पटाखे सब फोड़ेंगे, उसमें कोई रोक नहीं लगेगी, सब पटाखे फोड़ेंगे और अच्छे खुशी से ये त्यौहार बनेगा। जय हिंद जय भारत। रात को एक आदेश जारी किया गया, जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि यहाँ पे वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पे पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। उसी को लेकर सभी हिंदू समाज के लोग आए हैं और उसको ज्ञापन दिया है और हमारी मांग ये है कि ये जो आदेश है तुगलक की फरमान उसको कैंसिल किया जाए और व्यापारियों को राहत मिले। किस बात को लेकर आज आपके द्वारा थाना मंडीदीप में ज्ञापन दिया गया है? आज हमने ज्ञापन दिया है, उसका विषय था कि जो आज सुबह सुबह कलेक्टर महोदय का आदेश आया कि मंडीदीप में एनजीटी का जो आदेश है उसके पालन करते हुए पटाखों पे बिक्री पे और फोड़ने पे बैन लगाया गया है, जो कि पूर्णतः अनुचित है। एक दिन पहले ये कार्रवाई किया जाना, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस जो रोक लगाई गई इसे हटाया जाए, अन्यथा हिंदू समाज हिंदू धर्म के लोगों में रोष उत्पन्न होगा और ये आंदोलन जो है बड़ा रूप लेगा। और हम ये भी मांग करते हैं अगर ये आदेश निरस्त नहीं किया जाता है तो जिन जिन व्यापारियों ने पटाखों में जो अपना पैसा लगाया है वो प्रशासन पटाखे वापस ले और उन पैसों को उन व्यापारियों को वापस करे और लाइसेंस जारी करने में जो पैसा लिया गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो भी उन व्यापारियों को वापस किया जाए, ये हम मांग करते हैं। चाहते हैं आप आज इस ज्ञापन के मामले को लेकर? इस ज्ञापन को लेकर मेरा एक ही कहना है कि अगर प्रशासन ने ये कदम उठाया है तो सोच समझ के उठाया होगा, लेकिन कदम उठाने में काफ़ी देरी की गई है। व्यापारी अपना माल लेकर आ चुके हैं, उनके पास माल रखा है, उन्होंने सुबह उठ के देखा, उन्होंने अपनी तैयारी की कि हम दुकानें लगाएंगे और पेपर में पढ़ा गया कि फटाखे बैन कर दिए गए, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है जिससे व्यापारियों का बहुत पैसा लग चुका है ऑलरेडी, उन्होंने लाइसेंस भी ले लिए। अगर प्रशासन को ऐसा कोई कदम उठाना था तो इसकी पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी और आगे भी प्रशासन के लिए मेरा एक ही कहना है कि अगर आपको ऐसी कोई भी कार्रवाई करनी है तो इसको पूर्व में की जाए, एकदम से त्योहारों के एक या दो दिन पहले।